नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो देखिए। ये वीडियो देखकर आपको ताज्जुब होगा कि वसई विरार शहर में आखिर चल क्या रहा है। तस्वीरें हैं नालासोपारा पश्चिम की जंगली कैफे की, जहां हुक्का पार्लर खुलेआम चलाया जा रहा है। इसके संचालक बेखौफ होकर नियम कानूनों की धज्जियां उड़ाते हुए पार्लर में तमाम नाबालिग बालिग युवक युवतियों को बड़ी संख्या में तंबाकू जनित पदार्थ परोस रहे हैं। और इस पूरी गतिविधि से मीरा भाईंदर वसई विरार आयुक्तालय की नालासोपारा की जो टीम है वो पूरी तरह अनभिज्ञ है और अनजान है। नालासोपारा पश्चिम में जंगली कैफे सहित एड़ा हुक्का पार्लर जैसे कई अवैध गतिविधियों के अड्डे हैं, जहां सुबह 11 बजे से लेकर रात 12 बजे तक युवा नशे की डोज लेकर अपनी जिंदगी के अनमोल पल धुएं में उड़ा रहे हैं। इस बारे में भारतीय जनता पार्टी के नेता अक्षय बिड़लान का कहना है कि नालासोपारा पुलिस स्टेशन को इस अवैध गतिविधि की लिखित शिकायत पत्र के माध्यम से पहले ही उन्होंने पुलिस टीम को आगाह किया है। इसके बावजूद पुलिस ने अभी तक इस मामले में कोई कार्रवाई करने की जहमत नहीं उठाई है। कानून के रक्षकों का ऐसी अवैध गतिविधियों के प्रति इस तरह की असंवेदनशीलता कई सवाल खड़े करती है। दोस्तों, आपने पहले देखा होगा, कुछ दिनों पहले ही नशे के साइड इफेक्ट के तौर पर पुणे में एक कार हादसा हुआ था, पोर्शे कार का जो हादसा हुआ था, जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था, जहां एक नाबालिग ने दो बेगुनाह युवाओं को नशे और रुतबे की भेंट चढ़ा दी थी। और उस मामले में सरकारी तंत्र के डीएनए में घुसे भ्रष्टाचार की पोल खोल हुई थी और बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार उजागर हुआ था और पूरे देश में इन विभागों की थू-थू हुई थी। अब देखना होगा कि नियमों कानूनों की धज्जियां उड़ाते हुए संचालित किए जा रहे एड़ा और जंगली जैसे कैफे महफूज रहते हैं या फिर प्रशासन समाज के हितों की रक्षा करते हुए ऐसे अड्डों को नेस्तनाबूद करने में कामयाब होता है। ऐसे किसी अवैध गतिविधि की सूचना रहेगी तो आप जरूर मेट्रो सिटी समाचार पर कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताइए और वहाँ की नज़दीकी जो पुलिस स्टेशन है उन्हें जरूर संज्ञान में लाइए, जिससे आने वाली जो हमारी युवा पीढ़ी है वो सुरक्षित रह सके।